सोने का अंडा। एक समय की बात है, एक किसान था। वह बहुत गरीब था। वह अपने काम बहुत अच्छी तरह करता था। वह जो भी कमाता उससे उसकी जरूरतें पूरी हो जाती। एक शाम काम से लौटने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी। आज रात में क्या पकाऊं? तभी उसे अपनी झोपड़ी के सामने एक मुर्गी के कुड़कुड़ाने की आवाज सुनाई दी। अरे, वह मुर्गी मेरे पकाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। थोड़ी सी कोशिश करने के बाद किसान ने मुर्गी को पकड़ लिया। जैसे ही वह मुर्गी को मारने वाला था, मुर्गी चिल्लाई, किसान भाई, मुझे मत मारो, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे, ये क्या, ये मुर्गी तो बोल सकती है। ओह, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो, मुझे बताओ। यदि तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दूंगी। क्या, एक सोने का अंडा, वह भी हर रोज? लेकिन मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं? हो सकता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मुझ पर भरोसा करें, अगर मैं कल सोने का अंडा ना दूं तो आप मुझे मार सकते हैं। ठीक है, मैं कल की राह देखूंगा। किसान ने मुर्गी को बिना मारे छोड़ दिया। अगले दिन सुबह जैसे ही किसान उठा, वह मुर्गी के पास यह देखने गया कि क्या उसने सचमुच सोने का अंडा दिया है। अरे, ये तो सच है, ये देखो, सोने का अंडा है। उसने खुशी खुशी सोने का अंडा उठाया और बाजार जाकर उसे बेचने की कोशिश करने लगा। वह सड़क के बीचों बीच खड़े होकर आवाज लगाने लगा, सोने का ये अंडा बेचने के लिए है, सोने का ये अंडा बेचने के लिए है। क्या, क्या ये सच में सोने का अंडा है? हाँ, ये सच में सोने का अंडा है। जल्दी ही उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई और सब सोने के अंडे को देखकर हैरान थे। मुझे ये चाहिए। नहीं, ये मेरा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। इसे मुझे बेच दो तो ये आपका हुआ। चिंता मत करो, मैं कल एक और ले आऊंगा, सबके लिए काफी हैं। किसान ने अच्छे दाम पर सोने का अंडा बेचा। अगले दिन जब वह उठा तो वह फिर से देखने गया कि एक और सोने का अंडा मुर्गी ने दिया है या नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा, एक और सोने का अंडा, मैं इसे भी तुरंत बेच दूंगा। और एक बार फिर उसने सोने का अंडा शहर जाकर बेच दिया। उस दिन के बाद मुर्गी उसे रोज एक सोने का अंडा देने लगी। किसान धीरे धीरे अमीर होता गया। जैसे जैसे किसान अमीर बनता गया, वैसे वैसे लालची भी होता गया। मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, हर रोज बस एक सोने के अंडे की राह देखकर मैं थक चुका हूँ। फिर उसने बहुत सोचा और रात गए सोचता ही रहा। मैं उस मुर्गी को मार दूंगा और उसमें छिपी सोने की खदान ले लूंगा, मुझे एकदम उसका सारा खजाना मिल जाएगा। लालची किसान ने मुर्गी को मार डाला, पर अफसोस की बात कि उसे कुछ भी नहीं मिला। अरे, ये नहीं हो सकता, सोने की खदान कहाँ है, कहाँ है? अब मेरे पास मुर्गी और सोने के अंडे भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और सभी बुराइयों की जड़ है।